एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नर्सरी का टूर कराऊंगी और ये बहुत सुंदर नर्सरी है। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हैं या इसके आजू बाजू के एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली इस नर्सरी में आप विजिट करिएगा। आपको बहुत टाइप के यहाँ पे प्लांट्स और प्लांटर्स भी मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर से हैंगिंग प्लांटर्स हैं। इन्होंने लाइक बच्चों के, छोटे बच्चों के जो टॉयज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके शेप्स का आइडिया अपने दिमाग में रख के इनको बनाया हुआ है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे है इस तरीके से प्लांटर। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बहुत ही सुंदर लगा और इसी को देख के हम अट्रैक्ट हुए और नर्सरी में विजिट किया। वीडियो में जितना सुंदर दिख रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये रियल में लग रहा था, बिकॉज इसके जो प्लांट्स है वो भी यूनिक है और वेल मेंटेन ये नर्सरी है। इसमें आपको सारे टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे और प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है, एकदम रिजनेबल प्राइस में प्लांट्स है यहाँ पे अवेलेबल। और ये जो आप हैंगिंग प्लांटर देख रहे हैं इसका प्राइस 400 है। अगर आपके एरिया में इस टाइप के प्लांटर्स है तो शायद इसके इतना ही प्राइस होगा या फिर इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। 400 में वर्थ है, बिकॉज इसके जो इसमें जो प्लांट्स लगे हैं वो भी महंगे ही आते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से लगाया है मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप घर में DIY करना चाहते हो तो आप एक आइडिया भी इससे ले सकते हो। हम घर पे भी इसे बना सकते हैं इस तरीके से, आर्ट करके, पेंटिंग करके भी हम अपने घर में जो बच्चों के टॉयज होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया भी हमें मिल सकता है। तो आप घर पे भी रेडी कर सकते हो इस तरीके के टॉय एज अ प्लांटर। और ये नर्सरी का नाम है राइज एंड शाइन एग्जोटिक नर्सरी। ये मैंने बताया ये पहले एक सोलापुर हाईवे एरिया है, उस पर एकदम रोड पे ही है। आप जस्ट एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगी। ये इसका सेकंड प्रोजेक्ट है, इसके जस्ट बाजू में ही है। ये तो लाइक प्लांट का एक मॉल ही बोल सकते हो आप। बहुत ही बड़े लेवल पे ये नर्सरी यहाँ पे क्रिएट की गई है और इसमें आपको सभी टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और लैंडस्केपिंग के लिए जो भी प्लांट्स यूज़ होते हैं वो, बोनसाई वैरायटी, काफ़ी सारे प्लांट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम लोग बस इतनी ही घूम पाए बिकॉज हमें इतना ही एरिया घूमने के लिए 2-3 घंटा लग गया। तो और भी है, आप इसके आजू बाजू में आप वहाँ पर भी जा सकते हो। प्लांट के प्राइस आपको यहाँ पे 30 या 20 रुपीज से स्टार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांट। और ये देखिए इन्होंने इनके जो बेबी प्लांट्स यहाँ पे रेडी करते हैं ये ग्राउंड लेवल पे करते हैं। और इसके ऊपर में और एक लेवल है, ये देखिए यहाँ पे ये सारे प्लांट्स रेडी करके रखते हैं और नीचे में जो है इसके बेबी प्लांट से बनाते हैं। तो बहुत ही वेल मेंटेन है ये नर्सरी। और ये देखिए सुंदर सा प्लांट आपके लिए मैं शूट की, तो इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये प्लांट मुझे, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। और ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है फाइकस पिमेला की। और यहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं सारे हेल्दी प्लांट्स लगे मुझे और बहुत ही क्लीन एंड नीट रखा है इन्होंने प्लांट। इस प्लांट का रेट उन्होंने 100 बोला था। तो डिपेंड्स है प्लांट कितना बड़ा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है प्लांट का प्राइस। तो ये नर्सरी बहुत अच्छी लगी और आपके साथ में शेयर करने का एक ही मोटा था कि आप भी अगर विजिट करना चाहते हैं कोई नर्सरी में तो ज़रूर विजिट करिएगा, ये सीज़न बहुत अच्छा है प्लांट्स के लिए। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।